जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम जेके और आप देख रहे हैं टेक्निकल बोली। दोस्तों आज की वीडियो में इस तरह के कैप्शन लगाना सीखेंगे अपनी वीडियो में। इस तरह के कैप्शन वाली वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है इस तरह के कैप्शन लगाने से, और वीडियो पर जो है ऑडियंस रिटेंशन जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, काफी ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ जाता है वीडियो का इन कैप्शन की मदद से, जिससे कि वीडियो का वायरल होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। ये सभी कैप्शन लिखने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन आज जो मैं एप्लीकेशन आपको बताने वाला हूँ उसको देखकर आप यही कहेंगे जी। दोस्तों एप्लीकेशन काफी ज्यादा कमाल की है, और ये एप्लीकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और किस तरह से ये एप्लीकेशन काम करता है इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले अपने ऑटो कैप एप्लीकेशन को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और एक वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्ट के ऑप्शन पर जाकर के। चलिए गैलरी से मैं एक वीडियो ले लेता हूँ जिस पर भी मैं इस कैप्शन को ऐड करने वाला हूँ। ये देखिए वीडियो आ गई है। यहाँ पर आप अपनी वीडियो का जो साइज है यानी कि रेशियो है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप स्क्वायर चाहें तो स्क्वायर ले सकते हैं, आपको स्टोरी पोस्ट करना चाहते हैं तो आप स्टोरी वाला जो रेशियो है वो ले सकते हैं, आप फेसबुक के लिए डालना चाहते हैं या आप कोई शॉर्ट वीडियो डालना चाहते हैं तो आप उसका भी यहाँ पर रेशियो सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैंने ये रेशियो सिलेक्ट कर लिया है। अब चाहें तो यहाँ पर आप इसकी लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज के यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पर कैप्शन को जनरेट कर सकते हैं, चाहे आपकी वीडियो किसी भी लैंग्वेज में हो, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहेंगे यहाँ पर कैप्शन जनरेट हो जाएंगे। चलिए मैं इंग्लिश इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब करता हूँ नेक्स्ट, और देखिए कुछ ही सेकंड में यहाँ पर जो है कैप्शन बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर आप चाहें किसी कैप्शन में करेक्शन करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखिए उस लाइन पर आप जाएंगे और कीबोर्ड का जो आइकन आप देख रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे। चलिए ये देखिए वो लाइन यहाँ पर आ गई है। आप चाहें तो उस लाइन में कोई भी आपका जो वर्ड है या कोई मिस्टेक है आप उसको करेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए उस लाइन को आप आसानी से यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मुझे एडिट करने की ज़रूरत पड़ी है, मैंने कर दिया है। आप भी चाहें तो इसी तरह से कोई अगर मिस्टेक है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। चलिए इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। देखिए अगर आप कैप्शन ऐड करने के बाद भी इसका जो रेशियो है वीडियो का वो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके बाद भी कर सकते हैं। ये देखिए चलिए मैं वही रेशियो रहने देता हूँ। अब आते हैं इस ऑप्शन पर। ये देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर है फॉन्ट का, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप फॉन्ट का जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं पहले ऑप्शन पर जा करके, दूसरे ऑप्शन पर आप उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, तीसरा जो ऑप्शन आता है आप उसका जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आप चाहें तो उसमें बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। चलिए मैं बैकग्राउंड को हटा देता हूं, अगर आप चाहें तो उसका कलर भी यहां से चेंज कर सकते हैं। देखिए इस ऑप्शन पर जाएंगे तो ये जो पहला जो वर्ड है उसका कलर खाली चेंज कर देगा। ये देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। चलिए एक बार प्ले करके देखते हैं। ये देखिए तो इस तरह से आप इसमें कलर ऐड कर सकते हैं, इसकी शेडो को कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए अब एनिमेशन को करते हैं ऑन। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन हमें मिल जाते हैं। ये देखिए स्टेप यानी कि स्टेप वाइज हमारे जो वर्ड हैं यहाँ पर आएंगे। ये देखिए दूसरा जो एनिमेशन है टाइपराइटर का, यानी कि ये देखिए टाइपराइटर में जैसे हम टाइप करते हैं उस तरह से यहाँ पर हमको जो है कैप्शन शो होगा, यह कॉमिक वाला एकदम से पॉपअप होके आएगा। और ये देखिए बोल्ड, तो इस तरह से दाएं बाएं से ये कैप्शन आएंगे। ये देखिए वर्ड में एक एक वर्ड यहाँ पर आपको पॉपअप होगा इस तरह से। ये देखिए स्टेप का ऑप्शन है, इस तरह से आप कोई भी एनिमेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं टाइपराइटर का जो एनिमेशन है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहे तो इस कैप्शन को कहीं भी ले आकर के सेट कर सकते हैं वीडियो में, ऊपर नीचे दाएं बाएं, लेकिन ध्यान रहे इसके इस एप्लीकेशन में राइट साइड पर नीचे कॉर्नर पर इसका जो है वाटरमार्क आएगा तो उसकी जगह आप छोड़ दीजिए ताकि बाद में एडिट के वक्त आप उसको क्रॉप कर सकें। ये देखिए एक बार इसको प्ले करके देख लेते हैं। ये देखिए तो हमारे कैप्शन बनकर तैयार हो गए हैं। अब चलिए इसको सेव कर लेते हैं सेव टू गैलरी पर जाकर के। देखिए वीडियो हमारा सेव होने लगा है, ये गैलरी में आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए वीडियो सेव हमारा हो चुका है गैलरी में। ये देखिए इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं, आप देख सकते हैं राइट साइड में छोटा सा वाटरमार्क आ रहा है,
इसकी जगह हमने पहले ही छोड़ दी थी और इसको हम एडिट कर देंगे। चलिए वॉटरमार्क को कैसे एडिट करना है ये भी हम देख लेते हैं। ये एप्लीकेशन जो है MP4 फाइल जो है सपोर्ट करता है, तो आपकी वीडियो MP4 फॉर्मेट में होनी चाहिए अगर आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं। चलिए काइनमास्टर में अब इस वीडियो को ले लेते हैं जिस पर भी हमने कैप्शन ऐड किया है। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से ये जो आप नीचे देख रहे हैं ऑटो कैप का जो वॉटरमार्क है इसको हम क्रॉप करके हटा देंगे। इसकी जो जगह है हमने पहले ही छोड़ दी थी, ये देखिए कुछ इस तरह से आप इसको सेट कर लेंगे। आप चाहें तो जूम भी कर सकते हैं या आप चाहें तो क्रॉप भी कर सकते हैं। इस तरह से क्रॉप करके आप इसको हटा सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है इस एप्लीकेशन को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड मोबाइल के लिए है। इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप अपने मोबाइल से ही सारे कैप्शन लिख सकते हैं जैसा कि हमने वीडियो में देखा। तो इस एप्लीकेशन को आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वहाँ पर आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ऐसी ही कुछ काम की वीडियो लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। इसके लिए करना है आपको टेक्निकल बोली को सब्सक्राइब, तो कर लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।